बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद पर आपको ऐसे कई हिंदू मिले होंगे जो चाहते होंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाई जाए। ऐसे कई मुसलमान भी होंगे जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे या बीजेपी में जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर बने। लेकिन एक मुसलमान जिसको ना बीजेपी से कोई लेना देना था और जिसको ना किसी मुस्लिम बोर्ड से कुछ लेना देना था, उसने खुदाई में भाग लिया। बाकायदा चार जो खुदाइयाँ हुई उस परिसर की, बाकायदा आर्कियोलॉजिस्ट है, अफसर है, वो लगातार कहता रहा कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे एक विष्णु मंदिर था। अब उस मुसलमान को, मुसलमान अफसर को झूठा साबित करने की कोशिशें की जा रही थी, उनकी पोल खुल गई है। वो मुसलमान अफसर था, आर्कियोलॉजिस्ट था, के मोहम्मद, अब भी हैं, रिटायर हो गए हैं। AMU से उन्होंने पढ़ाई की, MSc किया। और मैं आपको बता दूं कि वो बंदा जब चार जो बड़ी खुदाइयाँ हुई हैं, 1861 में एक खुदाई हुई पहली बार उस परिसर की, वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने की। दूसरी जो हुई वो 1969 में हुई, उसको BHU के एक प्रोफेसर थे, AK नारायण, उन्होंने किया। तीसरी जो हुई थी वो 1976-77 में हुई, ASI के एक बड़े अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक बड़े अधिकारी BB लाल ने की थी। उसमें KK मोहम्मद भी शामिल थे। और 2003 में चौथी खुदाई हुई थी, वो हुई थी अलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। उसके नीचे जितने भी ढांचे मिले उनके बारे में बताया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि KK मोहम्मद उसके बाद लगातार ASI के, उस वक्त वो स्कूल में स्टूडेंट थे, और उसके बाद उन्होंने ASI ज्वाइन किया और ASI के अलग अलग पदों पर रहे। और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में वहाँ पर नक्सलियों को राजी किया कि वहाँ जो धरोहर हैं, जो मंदिर हैं, उनको कैसे वो सुरक्षित करें, इसके लिए उन्हें इजाज़त मिली और उन्होंने किया भी। ऐसे ही चंबल में मुरैना के पास 60 मंदिरों को उन्होंने डाकुओं की मदद से, डाकुओं को राजी किया कि कैसे उन मंदिरों को सुरक्षित किया जाए, वो काम किए। ओबामा और परवेज मुशर्रफ जैसे जो विदेशी राजनेता भारत आए, उनके टूर गाइड के तौर पे काम किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, यानी बंदे का नाम बड़ा है। ऐसे में केरल का ये बंदा खुलेआम कई सालों से ये कह रहा है कि मैंने खुदाई में हिस्सा लिया है, वहाँ पर एक विष्णु मंदिर था। और इसके लिए वो कई सारे उदाहरण देता है, कई सारे सबूत देता है कि उन खंभों पे क्या था, उन जगहों पे कितने खंभे थे जो मंदिर के थे, और कितनी हिंदू कलाकृतियाँ आकृतियाँ वहाँ उस पूरे परिसर में थी। ये उसने बताया 2003 में, ये दोबारा से जब खुदाई हुई तो साबित भी हुआ। ऐसे में AMU जहाँ से वो पढ़ा, जहाँ पे नौकरी की, उसी AMU के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं रिजवी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा और टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, KK मोहम्मद वाज नेवर पार्ट ऑफ BB लाल अयोध्या एग्जीक्यूशन, AMU प्रोफेसर। दरअसल ये सैयद अली रिजवी हैं, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बाकायदा बताया कि कभी भी वो उस टीम का हिस्सा नहीं था, कुछ सबूत दिए कि उस रिपोर्ट पे इनका नाम नहीं था, ये सारी बातें की। अब इनके इसी प्रोपेगेंडा का, क्योंकि ये झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे KK मोहम्मद को, अब जो उसी टीम के हेड थे BB लाल ने, ये KK मोहम्मद हैं, ये BB लाल हैं, BB लाल ने बाकायदा ईमेल करके टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि उस टीम में ये शामिल थे। एक अशोक पांडे थे, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एट भोपाल, वो इनके KK मोहम्मद के क्लासमेट थे। उन्होंने बताया है कि कैसे 10 स्टूडेंट्स भी उस टीम का हिस्सा थे, 12 स्टूडेंट हर साल PG डिप्लोमा लेते हैं वहाँ से, और उनको इन सब में जाना पड़ता है सितंबर अक्टूबर में, तो ये वो गए। एक दूसरे थे अनदर, ये लिखा हुआ राजनाथ काओ, वो SI के चीफ फोटोग्राफर थे 2005 में। उन्होंने यही बात कही कि कैसे KK मोहम्मद अकेले मुस्लिम मेंबर थे जो उस टीम में शामिल थे जिसने राम मंदिर की खुदाई की। एक और थे रमाकांत चतुर्वेदी, उन्होंने भी अब रिजवी साहब के बयान का खंडन किया है। वो डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल म्यूजियम ग्वालियर में थे 2007 में, अब उन्होंने कहा है, रिटायर हुए 2007 में, उन्होंने भी कहा है कि 76-77 में ट्रेनी के तौर पे KK मोहम्मद हमारे साथ शामिल थे और वो SI स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में पढ़ रहे थे। 75 साल के चतुर्वेदी ने पूरी डिटेल ये सौंपी है कि कैसे कैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चलाया था आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स, जिसकी लड़ाई वहाँ हुई और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई उसको हमने लोगों को बताया। इस तरह से लगातार
के मोहम्मद को जो झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वो अकेली मुस्लिम आवाज़ है जो सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स निकली हैं उनके साथ ये दावा करता आ रहा है कि वहाँ पर एक बड़ा विष्णु मंदिर था, वो भी 12वीं शताब्दी का था। तो उसको झूठा साबित करने की ये कोशिशें नाकाम हो गई हैं और जो उनके साथ थे लोग, उन्होंने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद से जुड़ी और कोई खबर आती है तो आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।